हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको अपडेट देने वाला हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो लिंक रोड बनाई जा रही है डीएनडी फ्लाईवे से लेके केएमपी तक उसके दिल्ली सेक्शन की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है सामने की साइड में एलिवेटेड सेक्शन लिंक रोड का, और यहाँ से पीछे वाली साइड में ये है आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन जो ओपन हो चुका है। और ये है डीएनडी फ्लाईवे। और इस साइड में ये काम चल रहा है रैपिड रेल के कॉरिडोर को बनाने का। और ये है बारापुला फ्लाईओवर, और उससे आगे की साइड में है सराय काले खां। तो सराय काले खां की साइड से जो ट्रैफिक आएगा लिंक रोड के लिए, या लिंक रोड के ऊपर से जो ट्रैफिक जाएगा सराय काले खां की तरफ, उसके लिए यहाँ पे एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। तो इस साइड में अभी काम कंप्लीट किया जाएगा पिलर्स को बनाने का, और यहाँ पे ये एक पिलर बन के रेडी हो गया है। और रोड को क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो पिलर्स बन के रेडी हो चुके हैं। अभी इनके ऊपर पिलर कैप का काम किया जाएगा। लास्ट टाइम इनकी अपडेट ये थी, तो देख सकते हो लास्ट टाइम यहाँ पे पिलर्स की फाउंडेशन का काम हो गया था। और अभी यहाँ से आगे वाली साइड में काम कंप्लीट किया जाएगा, और लिंक रोड के ऊपर से जो ट्रैफिक आएगा जिसको आश्रम और साउथ दिल्ली की तरफ जाना होगा, उसके लिए यहाँ पे रैंप का काम किया जाएगा। और ये है डीडीए का वेटलैंड। और साउथ दिल्ली और आश्रम की साइड से जो ट्रैफिक आएगा लिंक रोड के लिए, वो पहले सराय काले खां की तरफ जाएगा, और वहाँ से यू टर्न लेके सराय काले खां की साइड से जो ट्रैफिक आएगा लिंक रोड के ऊपर, वहां से आएगा। और डीएनडी फ्लाईवे के ऊपर से जो ट्रैफिक आएगा लिंक रोड के लिए, उसके लिए यहां पे रैंप होगा। तो देख सकते हो इस साइड में अभी ज्यादा काम नहीं हुआ है। इस साइड में यहां पे आके मर्ज हो जाएगा डीएनडी फ्लाईवे की साइड से आने वाला ट्रैफिक सराय काले खां की साइड से आने वाले ट्रैफिक के साथ में, और आगे की साइड में जाके एलिवेटेड सेक्शन के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये एलिवेटेड सेक्शन बन के रेडी हो चुका है, जिसकी अभी लेंथ है अप्रॉक्स 2 किलोमीटर की, और टोटल जो लेंथ होने वाली है इस एलिवेटेड सेक्शन की वो होगी अप्रॉक्स 7.3 किलोमीटर्स की। और इस एलिवेटेड सेक्शन के स्टार्टिंग वाले एरिए में दोनों साइड में पैरापेट वॉल का काम हो गया है। चलो अब आप लोगों को मैप के द्वारा समझाता हूँ ये लिंक रोड कहाँ से कहाँ तक बनाई जा रही है। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और इस साइड में ये है डीएनडी फ्लाईवे, और ये है आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन, और यहाँ से आगे वाली साइड में है सराय काले खां। तो ये जो आप पिंक कलर की मार्किंग देख रहे हो ये है लिंक रोड। तो ये लिंक रोड शाहीन बाग, कालंदी कुंज, जैतपुर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ होते हुए NH 19 को क्रॉस करने के बाद में आगे की साइड में जाके खलीलपुर गांव के पास में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मेन अलाइनमेंट में और KMP में जाके कनेक्ट हो जाती है। चलो बढ़ते हैं आगे की साइड में। तो यहां पे ये जो पहला पिलर है इसके ऊपर नंबरिंग की गई है AP 01, मतलब ये है पहला पिलर अप्रोच रोड का।
और यहाँ से आगे की साइड के प्लट्स के ऊपर नंबरिंग की गई है 0102। तो यहाँ पे ये जो पहला प्लर है ये है स्टार्टिंग पॉइंट से 500 मीटर पे। तो आगे की साइड के प्लर्स के ऊपर भी देख सकते हो यहाँ पे नंबरिंग का काम हो गया है। और अभी इस एलिवेटेड सेक्शन के नीचे की साइड में यहाँ पे सर्विस रोड का काम किया जाएगा। और यहाँ पे नीचे की साइड में काम चल रहा है ड्रेनेज सिस्टम को बनाने का। यहाँ पे देख सकते हो ड्रेनेज सिस्टम का काम हो गया है। और ये है प्लर नंबर 44। लास्ट टाइम यहाँ तक ही प्लर्स को आपस में कनेक्ट किया गया था, लेकिन इस बार देख सकते हो यहाँ से आगे की साइड के प्लर्स को आपस में कनेक्ट कर लिया गया है। तो ये है प्लर नंबर 58 और यहाँ से आगे की साइड में है प्लर नंबर 59 जहाँ तक अभी प्लर्स को आपस में कनेक्ट किया गया है। तो इस एंगल से देख सकते हो प्लर के ऊपर नंबरिंग है प्लर नंबर 59 की। तो अभी प्लर नंबर 59 और 58 के बीच में लॉन्चर लग रहा है। और यहाँ से पीछे वाली साइड में देख सकते हो वायडक्ट के ऊपर अभी यहाँ पे पैरापेट वॉल का काम किया जाएगा। और लिंक रोड के ऊपर जो कंपनी काम कर रही है वो है DRA। तो यहाँ पे पिलर नंबर 58 और 59 को आपस में कनेक्ट करने का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी लॉन्चर को पिलर नंबर 60 के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। और यहाँ से आगे की साइड के पिलर्स पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं। और ये आ जाता है प्लर नंबर 71 जो आता है स्टार्टिंग पॉइंट से 2.9 किलोमीटर्स के बाद में। लास्ट टाइम की अपडेट इसकी ये थी। तो देख सकते हो लास्ट टाइम ही प्लर कैप का काम कंप्लीट हो गया था। और आगे की साइड में ये है प्लर नंबर 72। तो ये प्लर आता है स्टार्टिंग पॉइंट से 2.915 किलोमीटर्स के बाद में। और इससे आगे की साइड में होगा प्लर नंबर 73 जो अभी पाइलिंग वाली स्टेज में है। लास्ट टाइम यहाँ की अपडेट ये थी। तो देख सकते हो लास्ट टाइम यहाँ पे पाइलिंग का काम नहीं हुआ था। तो यहाँ से आगे की साइड में लिंक रोड एंटर हो जाती है यूपी इरिगेशन कॉलोनी में। तो यूपी इरिगेशन कॉलोनी के अंदर से ऐसे निकल के जाएगी लिंक रोड। तो यहाँ पे अभी प्लर नंबर 74 की पाइलिंग का काम किया जा रहा है। और यहाँ से आगे की साइड में जो प्लर्स होंगे उनकी भी पाइलिंग का काम अभी किया जाएगा। और ये है ओल्ड आगरा कैनाल। तो इसके अंदर यहाँ पे अभी प्लर पाइलिंग का काम किया जा रहा है। और आगे की साइड में आ जाती है मैजेंटा लाइन और ये है ओखला विहार का मेट्रो स्टेशन। तो ये लिंक रोड दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन को
यहां से क्रॉस करके जाएगी। तो टोटल 4 पॉइंट पे क्रॉस करेगी ये लिंक रोड मैजेंटा लाइन को। तो पहला पॉइंट हो गया ओखला विहार के स्टेशन से पहले, तो पहला पॉइंट हो गया ये जहां पे लिंक रोड मैजेंटा लाइन को क्रॉस कर रही है, और दूसरा पॉइंट होगा ये ओखला विहार स्टेशन से थोड़ा सा आगे की साइड में। तो यहां से दूसरी बार क्रॉस करेगी लिंक रोड मैजेंटा लाइन को। तो ये था पीछे की साइड में ओखला विहार का मेट्रो स्टेशन, और वहां से आगे की साइड में यहां से क्रॉस करेगी लिंक रोड मैजेंटा लाइन को। तो अभी इस वाले एरिया में देख सकते हो यहां पे अभी काम किया जाएगा, और आगे की साइड में तो काम स्टार्ट हो चुका है पिलर पाइलिंग का। यहां पे ये देख सकते हो पिलर पाइलिंग का काम हो गया है, और आगे की साइड में दो पिलर्स की फाउंडेशन का। यहां पे ये दो पिलर और हैं जो अभी पाइलिंग वाली स्टेज में हैं। आगे की साइड में ये एक पिलर यहां पे बनके रेडी हो गया है। और ये है शाइन बाग का पुलिस स्टेशन जो आता है स्टार्टिंग पॉइंट से 5.2 किलोमीटर्स पे। और यहां से आगे की साइड में देख सकते हो पिलर्स बनके रेडी हो चुके हैं, और कुछ पिलर्स के ऊपर पिलर कैप का काम भी हो गया है। यहां पे अभी पिलर्स को रेडी किया जाएगा, और यहां पे राइट साइड में है शाहीन बाग का मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन से आगे की साइड में देख सकते हो यहां पे अभी पिलर पाइलिंग का काम चल रहा है। तो इस वाले एरिया में अभी ज्यादा काम नहीं हुआ है। तो इस लिंक रोड की टोटल लेंथ है 59 किलोमीटर्स की, जिसको 3 पैकेज में डिवाइड किया गया है। और आगे की साइड में आने के बाद में ये आ जाती है शाहीन बाग और सरिता विहार को कनेक्ट करने वाली रोड। तो उससे पहले यहाँ पे दो पिलर्स के ऊपर काम चल रहा है। अभी यहाँ पे पिलर्स को स्टेप बाय स्टेप इनकी मैक्सिमम हाइट तक रेडी किया जाएगा। और रोड को क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे जो पिलर होगा वो अभी फाउंडेशन वाली स्टेज में है, और ये है तीसरा पॉइंट जहाँ पे लिंक रोड मैजेंटा लाइन को क्रॉस कर रही है। तो ये वाला वायडक्ट जाता है मैजेंटा लाइन के डीपो के अंदर। तो ये है सामने की साइड में डीपो, और मेट्रो के वायडक्ट के इस साइड में जो पिलर होगा वो अभी पाइलिंग वाली स्टेज में है, और आगे की साइड में पिलर्स को बनाने का काम चल रहा है। तो यहाँ पे अभी इन पिलर्स को स्टेप बाय स्टेप इनकी मैक्सिमम हाइट तक रेडी किया जाएगा। और ये है चौथा और लास्ट पॉइंट जहाँ पे लिंक रोड मैजेंटा लाइन को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ से आगे की साइड में है कालिंदी कुंज का मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पे अभी मेट्रो के वायडक्ट के दोनों साइड में पिलर्स को रेडी किया जाएगा, और आगे की साइड में 4 पिलर्स पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं। और इस साइड में ये है कालिंदी कुंज का मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पे ये 4 पिलर्स हैं जो बन के रेडी हो चुके हैं पूरी तरीके से। लास्ट टाइम यहाँ की अपडेट ये थी, तो लास्ट टाइम यहाँ पे इन 4 पिलर्स की सिर्फ फाउंडेशन का काम ही हुआ था। और ये है ओल्ड आगरा कैनाल, और ये है आगरा कैनाल। तो यहाँ पे आके मर्ज हो जाती हैं दोनों कैनाल, और इस लिंक रोड के ऊपर आने के लिए दिल्ली वाले सेक्शन में आप लोगों को 2 एंट्री पॉइंट मिलेंगे। तो पहला हो गया DND फ्लाईवे के पास में,
और दूसरा है कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास में। तो ये है कालिंदी कुंज का मेट्रो स्टेशन। और ये है यमुना रिवर और सामने की साइड में है नोएडा। तो ये ट्रैफिक आ रहा है नोएडा की साइड से। तो यहां से ये जो ट्रैफिक जा रहा है ये सरिता विहार और शाहीन बाग को जो रोड जोड़ती है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी उसके ऊपर ही जा रहा है। और ये है मैजेंटा लाइन का डिपो। तो नोएडा दादरी शाहीनबाग कालिंदी कुंज की साइड से जो ट्रैफिक आएगा जिसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लिंक रोड के ऊपर जाना होगा उसके लिए यहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा। तो यहाँ पे रैंप का काम अभी किया जाएगा, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का काम तो हो गया है। तो यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट की रोड होगी वो मेट्रो लाइन के नीचे से निकल के जाएगी। तो इस वाले एरिया में अभी काम किया जाएगा। और इस साइड से आएगा डीएनडी फ्लाईवे की साइड से आने वाला ट्रैफिक। तो अभी यहां से आगे की साइड में पिलर्स को बनाया जाएगा। तो यहां पे आके मर्ज हो जाएगा दोनों साइड का ट्रैफिक, कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन की साइड से जो आएगा और डीएनडी फ्लाईवे की साइड से जो आएगा। तो यहाँ पे चार पिलर्स बन के रेडी हो चुके हैं और दो पिलर के ऊपर पिलर कैप का काम हो गया है। और यहाँ पे आके एंड हो जाएगा 7.2 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन। तो ये है पिलर नंबर 188। और यहां से आगे ही साइड में काम चल रहा है अप्रोच रोड को बनाने का। तो यहां पे ये दोनों मोटर ग्रेडर अपना काम कर रहे हैं और दोनों साइड में अभी और आरई पैनल्स को लगाया जाएगा। यहां पे अभी इस एरिया को भी क्लियर किया जाएगा। और आगे की साइड में देख सकते हो सबसे लेफ्ट साइड में यहाँ पे डीबीएम की लेयर का काम हो गया है। और इस साइड में काम चल रहा है डब्ल्यूएमएम की लेयर को बिछाने का। तो यहाँ पे ये पेवर मशीन अपना काम कर रही है। तो ये थी लास्ट लोकेशन। तो आगे की साइड में देख सकते हो इस तरफ डीबीएम की लेयर का काम हो गया है और इस साइड में ये है एनटीपीसी का इको पार्क। तो इसका ये जो मेन गेट है ये आता है स्टार्टिंग पॉइंट से 8.5 किलोमीटर पे। और यहां पे ये रखे हुए हैं आरई पैनल्स। और यहां पे ये रखे हुए हैं क्रैश बैरियर्स। तो फाइनली यहां पे आके एंड हो जाता है लिंक रोड का पैकेज वन। तो पैकेज वन की टोटल लेंथ है 9 किलोमीटर की। तो पैकेज वन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड हुआ था 31 जुलाई 2020 को और कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ था 11 जनवरी 2022 को और पैकेज वन की डेडलाइन है 10 जनवरी 2024। अब यहां से आगे ही साइड में स्टार्ट होता है पैकेज टू जिसकी लेंथ है 24 किलोमीटर की और दिल्ली के अंदर लिंक रोड की लेंथ है 12.5 किलोमीटर की।
और अब आगे ही साइड में आने के बाद में यहाँ पे काम चल रहा है अप्रोच रोड को बनाने का। तो साइड एंगल से देख सकते हो यहाँ पे अभी और RE पैनल्स को लगाया जाएगा। और आगे की साइड में यहाँ पे अभी पिलर्स को बनाने का जो काम है वो कंप्लीट किया जाएगा। और सामने की साइड में है कास्टिंग यार्ड। तो कास्टिंग यार्ड के अंदर यहाँ पे काम चल रहा है सेगमेंट्स को बनाने का। तो देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे सेगमेंट्स बन के रेडी हो चुके हैं। और ये है बैचिंग प्लांट। और आगे ही साइड में यहाँ पे ये रखे हुए हैं गर्डर्स। और आगे की साइड में यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी एक और एलिवेटेड सेक्शन की। तो इस साइड के पिलर्स तो रेडी हो चुके हैं, अभी इस साइड के पिलर्स के ऊपर पिलर कैप का काम किया जाएगा। और आगे की साइड के पिलर्स को आपस में कनेक्ट कर लिया गया है। और ये है मीठापुर चौक। तो यहाँ से आगे वाली साइड में देख सकते हो मैक्सिमम पिलर्स के ऊपर पिलर कैप का काम हो गया है। अभी कुछ पिलर रह गए हैं जिनके ऊपर पिलर कैप का काम किया जा रहा है। तो ये छोटा सा ही एलिवेटेड सेक्शन है, तो यहाँ पे आके एंड हो जाएगा ये एलिवेटेड सेक्शन। और आगे की साइड में यहाँ पे ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है एक्सप्रेसवे की लेन का। तो ये था पीछे का एरिया जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। और वहाँ से आगे की साइड में देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्रेसवे की लेन का काम कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे DBM और उसके बाद में पेवमेंट का काम किया जाएगा, मतलब फाइनल लेयर ब्लैक टॉप की। तो ये जो लिंक रोड है DND फ्लाईवे से लेके KMP तक की, इसको नाम दिया गया है NH 148 NA। तो ये लिंक रोड 6 लेन की होगी जिसके ऊपर स्पीड लिमिट होगी कार्स के लिए 100 किलोमीटर की। और यहाँ पे आप लोगों को दोनों साइड में सर्विस रोड भी मिलेगी। और आगे ही साइड में काम चल रहा है अप्रोच रोड का। तो यहाँ पे अभी RE वॉल का काम कंप्लीट किया जाएगा। और ये है MCD का टोल प्लाजा जो आता है स्टार्टिंग पॉइंट से 12.5 किलोमीटर पे। तो यहाँ पे आके एंड हो जाता है दिल्ली सेक्शन। और आगे ही साइड में स्टार्ट हो जाता है हरियाणा। तो यहाँ पे देख सकते हो पिलर्स को आपस में कनेक्ट कर लिया गया है, अभी फ्लोरिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ से आगे की साइड में अभी पिलर्स को पूरी तरीके से रेडी किया जाएगा। और ये है सेहतपुर ब्रिज। और सामने की साइड में ये एरिया है फरीदाबाद सेक्टर 37 का। तो यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाती है लिंक रोड फरीदाबाद बाईपास में। तो देख सकते हो यहाँ पे पिलर्स बन के रेडी हो चुके हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम चल रहा है। और आगे की साइड में अप्रोच रोड का काम चल रहा है। तो फरीदाबाद बल्लभगढ़ साइड की अपडेट भी मैं आप लोगों को जल्द ही दूंगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ पूरे दिल्ली सेक्शन की अपडेट आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।